ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण लेंगे? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस अंधकार भरे संसार में केवल आप ही प्रकाश का स्रोत हैं प्रभु। हमें इस अंधकार में फिर छोड़कर ना जाइए। आप इस संसार में ना होंगे, ये सोचकर ही मन भयभीत हो रहा है प्रभु। आजाद शत्रु, मृत्यु का भय केवल उसे ही ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। ये शरीर तो नश्वर, परंतु मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव तुम्हारे हृदय में प्रकाशमय रहेगी। प्रभु मुझे अपने साथ ले चलें। प्रभु जीवन भर मैंने कोई मूल्यवान कार्य न किया, महानिर्वाण तक आपके साथ रहे, आपकी सेवा करने का सौभाग्य दें प्रभु। आजाद शत्रु, यदि तुम मेरे साथ चल पड़े तो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय मगध का क्या होगा? तुम राजा हो तो अपने राज धर्म से कैसे विमुख हो सकते हो? तुम पर कितने मनुष्यों का उत्तरदायित्व है, और यही तुम्हारा धर्म है आजाद शत्रु। अपने धर्म को ना छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि राजा धार्मिक हो राज्य करेगा तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बना, जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे, और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे, और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु आपको फिर न देख सकूंगा, इस भय से मेरा दम घुट रहा है प्रभु। जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता, और ना ही बीते हुए कल का रोना, और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन का एक सत्य और समझो आजाद शत्रु, यदि तुम किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु से चिपकोगे तो उसे गवा दोगे। जिस क्षण तुमने सहायता के लिए हाथ फैलाना बंद किया, उसी क्षण से तुम पूर्ण मुक्त हो जाओगे। प्रभु मुझे आपको छोड़ना होगा, किंतु आप मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे, मेरे अंतर मन में प्रज्वलित ज्योति की तरह आपका प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहेगा। हम जैसे संसारी जीव आपके दर्शन पा कृतार्थ हुए। मेरे जैसे निम्न व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की। हम तो साधारण मानव हैं, क्या आप हम सबको धर्म के पद पे चलने का उपाय बताकर हम पर कुछ कृपा करेंगे? मेरी पत्नी की भी अभिलाषा है कि आप हमें जीवन जीने की निधि समझाएं। चंड, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा।
और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पति व्रत का पालन पत्नी करती ही है। पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए, उसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना। पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना। उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना। अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले उसके कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दे। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे, वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या घृणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन वैभव सुख संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। अपने अंदर नम्रता कृतज्ञता और साधारण जीवन के पौधे को सींचो और उपजाओ। जब भी समय मिले भिक्षु से संपर्क कर ध्यान साधना का अभ्यास करो। उससे चिंता और कलेश मिटेंगे और आपके अंदर परम शांति का उदय होगा। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारी को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला, आकाश मिला, ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। प्रभु, अब आप भोजन के लिए पधारें।
देखिए, आपने बुध को शुक्र माधव तो परोसा ही नहीं, जाइए जाकर परोसाइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया जी। मैं अभी परोस के आता हूँ। ये शुक्र माधव तो मैं आपको परोसना भूल ही गया। ये शुक्र माधव बड़े प्रयास से मैंने चंदन के वृक्ष से तोड़ा है, बड़े प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाया है, कृपया इसे ले लीजिए। ये बिजली की चमक, ये बादलों का गरजना, ये वर्षा ऋतु का समय भी नहीं, चंड चंड बचे हुए शुक्र माधव को धरती में गाड़ाओ, भूले से भी किसी को मत खिलाना। बुध, क्या हुआ बुध? आनंद, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अनिरुद्ध, तुम बाकी भिक्षुओं को लेकर कुशाघर की ओर जाओ, हिरण्य नदी के समीप, हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। आनंद, तुम वृक्ष के नीचे मेरा आश्रम लिखाओ। जी बुध, मैं कुछ समय यहीं विश्राम करूंगा। जी, आइए बुध। आनंद, बहुत प्यास लगी, जल्दी जाकर मेरे लिए चल ले आओ। ऐसा गंदा पानी नहीं दे सकता मैं बुध को। आनंद, जल लाए, मुझे बहुत प्यास लगी। बुध, वहां का जल बहुत गंदा है, आपके पीने योग्य नहीं है। ककोता तक रुकिए, वहां का जल मीठा और निर्मल है, वहां जाती मैं आपके जल पीने का और स्नान करने का प्रबंध कर दूंगा। आनंद, इस भिक्षा पात्र में जल लाओ, जल स्वच्छ है, जल्दी जाओ। जी बुध,
ये कैसे हो गया? भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। बुद्ध, मैं पहले गया तो ताल पूरा गंदा था, जब आपने दोबारा भेजा तो भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। ये अनोखी बात कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। हमारा सांसारिक शिष्य चंद, जिसके घर हमने भोजन किया था, वो मेरा अंतिम भोजन है। लोग उस पर लांछन लगाएंगे, कहेंगे वो भोजन अयोग्य था, पर तुम उनसे कहना कि मुझे जीवन में दो ही भोज अविस्मरणीय है और रुचिकर लगे। प्रथम भोज जो मैंने परम सत्य पाने से पूर्व ग्रहण किया, और दूसरा जो महापरिनिर्वाण से पहले मैंने ग्रहण किया। चांद को व्यथा नहीं हो, उसे प्रसन्नता हो कि उन दो भोजन में से एक भोजन उसने मेरे लिए परोसा था। आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है, कुसागार के समीप। वहां साल के वन है, साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प, मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद। जी बुद, हमें देर हो रही है। आराम से बता रहा। आनंद, इन दोनों वृक्षों के नीचे मेरा बिछोना बिछा दो, मैं यही विश्राम करूंगा। जी बुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ, आप सभी का उदय हुआ, आनंद का उदय हुआ, इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा, उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं, धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें, तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक
सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध, अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है। आप क्या हुआ भिक्षु अनिरुद्ध, आप तो धैर्यवान, फिर आज रो क्यों गए? प्रिय भिक्षु, मुझे आज आभास हुआ है कि बुद्ध आज रात्रि ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, मेरा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए, मैं दाईं ओर लेटूंगा। जी बुद्ध। देखो आनंद, अभी तक बसंत ऋतु भी नहीं आई और इन शाल के वृक्षों पर कैसे लाल पुष्प भर इन्हें झुका रहे हैं। देखो कैसे ये पुष्प वर्षा की एक एक बूंदों के समान मेरे वस्त्रों पर बरस रहे हैं। कितना सौंदर्यवान है ये वन, और वहां पश्चिम से अस्त होते सूर्य की किरणें कैसे हर ओर अपना प्रकाश फैला रही है। क्या तुम साहल की इन टहनियों में बहती वायु के संगीत को सुन पा रहे हो? मेरा हृदय तो ये सब देख आनंद से विभोर हो गया है। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। अनिरुद्ध, आनंद कहाँ है? उसे बुला के लाओ। शांत हो जाओ आनंद। तुम्हें ही रोता देख बुद्ध व्यथित हो जाएंगे। शांत हो जाओ। चल, वो तुम्हें भुला रहे हैं।
इतने व्यथित ना हो आनंद। मैंने कितनी बार तुम्हें चेताया है कि सभी धर्म अनित्य हैं, जन्म में मृत्यु के पद जाप है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति है। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे संभव है आनंद? तुमने अपने हृदय और आत्मा से मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। तुम में अनेक गुण है, किंतु तुम इन सभी गुणों से आगे जा सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी जन्म और मृत्यु के बंधन को काट सकोगे, तुम आत्म मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक दुख से उबर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी इस चेष्टा से प्रसन्नता मिली। आनंद की चार विशेषताएं हैं। वो नम्र वाणी बोलता है, उसे जो मिलता है वो उसमें प्रसन्न होता है। आनंद सबके लिए समान भाव से दयालु है, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। आनंद, तुमने कारण ना पूछ सर्वदा मेरी बात मानी। मेरे देह त्यागने के बाद बहुत से कार्य तुम्हें करने। तथागत, कृपया आप यहां धैर्य ना त्यागिए। कुसिनार मिट्टी के घरों से बना एक छोटा गांव है, आपके महान निर्वाण के लिए इसे कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थान है। राजगृह है, आपकी प्यारी श्रावस्ती है, कौसंबी है, वाराणसी है। कृपया ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां आपको अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए और आपके अंतिम दर्शन पा सके। आनंद, कुसिनारा तथागत को बहुत रुचिपूर्ण लगा। छोटा सा मिट्टी के घरों का गांव, साल के वृक्षों से वर्षा की एक एक बूंदों की तरह टपकते हुए ये पुष्प। आनंद, देह त्यागने से पहले देखो मुझ पर किस तरह बरसर है। आनंद, मेरा एक कार्य करो, कुसिनारा जाओ और वहां मल्ल नरेश को सूचित करो कि बुद्ध उनके वन में रुके हुए हैं, और उनसे कहो कि आज रात्रि के तीसरे प्रहर में बुद्ध महापरिनिर्वाण लें। आज रात्रि के तीसरे प्रहर अब महापरिनिर्वाण लेंगे? हाँ आनंद, इसीलिए शीघ्र अति शीघ्र मल्ल नरेश को सूचित कर। यदि मैं आपको छोड़ गया? और नहीं आनंद, रात्रि के तीसरे प्रहर से पहले नहीं,
मैं भावी समय में देख रहा हूं। मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात कहीं मल्ल नरेश ये ना कहे कि मैंने उनके ही वन में महापरिनिर्वाण लिया और उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। जब तक आनंद है आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी पुत्र। मैं अभी जा मलाजा को सूचित कराता हूं। याद रहे मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया है। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा है परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख भ्रम चिंता को जन्म देता है। क्रोध लोभ अभिमान स्वाभिमान ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है दो रूपों का है परंतु जीवन और मरण दो नहीं एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार ये भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील समाधि प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं सम्यक ज्ञान सम्यक
विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है, जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना। जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत फंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना। मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्धा के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ गुरु इस सृष्टि पर अब दोबारा नहीं आएंगे। जो करुणामयी हमारे ध्यान में आकर के हमें परम ज्ञान सूत्र समझा गए, जो प्रेम वश हमें आष्टांगिक मार्ग का संदेश सुनाकर चले गए, जो काल का चक्र चीर आने वाली शुद्ध मानवता को भी धर्म के पथ पर चलने की दिशा दिखा गए। मृत्यु का भय उसे ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। ये शरीर तो नश्वर है पर मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमयी करेंगे।